हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सादा चूल्हा। आज की हमारी रेसिपी है लेजी केक विद 4 इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को FB, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने लिटिल हार्ट बिस्किट यूज़ किए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पार्ले जी, मारी गोल्ड या इवन आपके पास मिक्स बिस्किट भी रखे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, बस बहुत ज़्यादा बारीक चूरा नहीं करना है। पैन के अंदर हमने 200 ml फ्रेश क्रीम यूज़ की है जिसको हमको बॉयल करना है, और बॉयल आने के बाद इसके अंदर हम 200 ग्राम ही डार्क चॉकलेट कंपाउंड डालेंगे, यानी 1:1 के रेशो में हमको चॉकलेट गनाश तैयार करनी है या कहें चॉकलेट सॉस बनाना है। चॉकलेट गनाश के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब इसके अंदर हमने 1 tablespoon बटर ऐड किया है। अब ये गनाश हमारा रेडी हो गया। अब जो हमने बिस्किट के टुकड़े किए थे उसी के अंदर गनाश को पोर करेंगे। लगभग आधा इसके अंदर डालेंगे और आधा हम साइड में रखेंगे जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इस मिक्सचर को हमें सेट करना है। मेरे पास ये हार्ट शेप का एक टिन था, इसमें मैं इसको पोर करूँगी। आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बटर पेपर लिया, उसको हार्ट शेप में कट करके इस टिन के अंदर लगाया है। इससे पहले इसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब जो हमारा मिक्सचर है इसको हम इसके अंदर पोर कर देंगे। अब स्पैचुला से अच्छे से इसको सेट करना है, गैप्स को दबाकर फिल कर देना है और अच्छे से प्रेस करने के बाद हमारा जो बचा हुआ गनाश जो हमने आधा बचा के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैंने कुछ वॉलनट्स लेकर इनको ड्राई रोस्ट किया है और अब इसे कट करके इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है। अब इसे फ्रिज में डाल देंगे तब तक जब तक ये पूरी तरह से सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। बहुत ही टेम्पटिंग और झटपट बनने वाली रेसिपी है, बस सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी बनाकर ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।